सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली फ्रेंड नीलोत्पल मृणाल ने एक आरटीआई फाइल किया है एम्स के लिए, जिसमें सीधे तौर पर एम्स से सवाल ये पूछा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में मृत्यु का कारण क्या निकल कर आया था। अगर एम्स इसका ठीक से जवाब देता है तो वही जवाब विकिपीडिया और बाकी के समाचारों के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इस समय सुशांत सिंह राजपूत का मामला अगर हम मेडिकली देखें तो एम्स के पास है। ऐसे में एम्स अगर कहता है कि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं है तो एक मजबूत आधार बनेगा विकिपीडिया में उस लाइन को हटवाने के लिए जिसमें लिखा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का कारण आत्महत्या था। और ये पहल नीलोत्पल मृणाल ने अपने स्तर पर की है और उम्मीद ये है कि अगले 7 दिनों के अंदर एम्स को इसका ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब देना होगा कि क्या हुआ था। अगर मृत्यु का कारण पता चल चुका है तो कारण बताना होगा, अगर नहीं पता चला है तो ये बताना होगा कि नहीं पता चला है। और इन दोनों ही स्थिति में ये जो विकिपीडिया के लिए एसएसआरियंस स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार आवाज उठा रहे हैं कि विकिपीडिया के पेज पर क्यों लिखा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, जबकि ये पूरा मामला अभी तक जांच के अंतर्गत चल ही रहा है, इसमें कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में एम्स की तरफ से आने वाला जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा और आज से अगले 7 दिनों के अंदर ये जवाब आने की उम्मीद है। साथ ही सुधीर गुप्ता ने जो स्टेटमेंट बाहर आया था, जिसमें पहले ये कहा गया कि उनको लग रहा है कि मर्डर है, उसके बाद वो बयान पलट गया था और उसके बाद वो कभी मीडिया के सामने आए ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं गया, इस मामले पर भी एम्स को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। जब भी आरटीआई फाइल की जाती है तो ये जिम्मेदारी बन जाती है उस संस्था की कि उस मामले में ठीक जवाब और सही समय पर दे। उम्मीद है नीलोत्पल मृणाल की इस कोशिश के बाद पूरा सच सामने आएगा और जैसे जैसे 14 जून नजदीक आ रही है, हर किसी के मन में सवाल फिर से उठ रहा है कि 1 साल होने को आया, आखिर ऐसी कौन सी जांच चल रही है जो पिछले 1 साल से सिर्फ चल रही है और उसमें कोई नतीजा सामने नहीं आया। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है इस बात को जानना कि आखिर 13 और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। उम्मीद है एम्स की तरफ से जो जवाब आएगा वो एक हद तक हम सबको इशारा देगा कि अब आगे का रुख क्या हो सकता है। दूसरी तरफ नजरें लगी हुई हैं सिद्धार्थ पिठानी पर भी, जो इस समय एनसीबी की कस्टडी में है, और उम्मीद है कि वहां से भी कई सारे सच निकलकर सामने आए।